सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देख रहे पब सब लाइट क्विक स्टार्ट का। तो पासवर्ड को कॉपी करेंगे, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेंगे, यूजर नेम जो है आप लोगों के लिए लिखा जाएगा, एंटर प्रेस कर देना। देन यहाँ पे पासवर्ड को आपको पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना है। देन इधर जो है आपके लिए आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना। काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है, तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। देन ये जो है लोड हो रहा है हमारे लिए, तो इसे एक बार कंप्लीटली लोड हो जाने दो। अंदर जाके एग्री एंड कंटिन्यू का हमारे सामने ऑप्शन आएगा, सो हमें जो है उस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड इस पर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बैक आते एंड टास्क पे चलते सीधे, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल करके देखो क्या कोई जोन की कमांड दी है या ये सब हमें पार्ट करने को दिया है सेटअप के अंदर, जो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए फिलहाल के लिए। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी को सेटअप करना है। इधर जाते, इधर से क्लाउड शेल को एक्टिवेट करते, एक्टिवेट करने के बाद साइज में इनकी स्क्रीन की इंक्रीज कर देता हूँ, सॉरी। एंड उसके बाद एपीआई एंड सर्विसेज में हमें जाना है, एंड उसके बाद जो है इधर कंटिन्यू पर आएगा, उस पर क्लिक कर देना। एंड ये जो है इस चीज को ओपन हो जाने देना, एंड ये कुछ इस तरीके से आया, इसे लोड हो जाने दो, मिनिमाइज कर दो फिलहाल के लिए। लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाने के बाद जो है हमने इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी कर लेना है पहले तो, या नीचे स्क्रॉल करना है, हमें जो है पबसब लाइट को जो है अनेबल करना है। फिलहाल पहले हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर दबा देंगे, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना, ये अनेबल हो जाएगी। इसको मिनिमाइज कर दो, बैक आओ, इस पर्टिकुलर चीज को आपको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है अगेन इधर आना है, इधर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। सो ये हमारे लिए हमारा ये वाला एपीआई खोल देगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद जो है अगर आपका अनेबल है यहाँ पे तो मैनेज का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं है सो अनेबल पे क्लिक कर देना। जिनका मैनेज का ऑप्शन आया था उन्हें इन तीन लाइनों पर क्लिक करना है और क्लाउड ओवरव्यू पे चले जाना है, ठीक है। देन जिनका मेरे जैसा आएगा उनको मेरे साथ फॉलो करना है, ठीक है। सो ये मेरा काम डन हो चुका है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें जो है इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पहले हमें जो इसे अनेबल हो जाने देना है, तो वेट करो, इधर डिसेबल का ऑप्शन आएगा। अब अगेन इस पर क्लिक करो एंड क्लाउड ओवरव्यू पे हम लोगों को भी चले जाना है। अब हमें क्या करना है, साइज हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं अगेन, एंड इधर आके गॉट इट पे क्लिक करेंगे, इस कमांड को पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये हमारा पाइथन का जो है थर्ड इंस्टॉल कर देगा। सो अगेन हमें जो है बैक जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें क्या करना है, पबसब में जाना है, देन लाइट टॉपिक पेज पे जाना है और एक क्रिएट करना है लाइट टॉपिक, ठीक है। इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, एंड बहुत देख के कॉपी कर लेना आप लोग भी। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हमें बैक जाना है, साइज अगेन हम इसकी डिक्रीज कर देते हैं, इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमें पबसब टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा, नहीं दिखे तो सीधे इसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। PUBSUB लिख देना, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। देन हमें क्या करना है, हमें जो है लाइट टॉपिक के अंदर जाना है और देन क्रिएट करना है एक लाइट टॉपिक, सिलेक्ट करना है रीजनल लाइट टॉपिक को और जोनल लाइट टॉपिक को। एंड देन हमें जो है मुझे वाला रीजन को सिलेक्ट करना है इस लैब के अंदर, आपको मैं भी कुछ और दिया तो जहां पे मैं ये डालूंगा आपको आपका रीजन डालना है, ठीक है। सो अगेन हमें क्या करना है, इधर आ जाना है, इधर लाइट टॉपिक दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमें क्रिएट करना है एक लाइट टॉपिक को, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है हमारे लिए, तो एक बार इसे ओपन हो जाने दो। देन इधर क्रिएट लाइट टॉपिक पे क्लिक करो। लाइट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद जो है आपको रीजनल लाइट टॉपिक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको रीजन देना है US सेंट्रल, मुझे देना है सॉरी, तो मेरा US सेंट्रल ये रहा। आपको आपका वाला सिलेक्ट करना है, जहाँ पे मैंने बोला था मैं ये डालूंगा आपको आपका वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद हमें जो है यही बोला है ना इसने, देखो ध्यान से समझ लेते हैं, सिलेक्ट रीजनल टॉपिक टू चूज द रीजन एंड देन सिलेक्ट द जोनल लाइट टॉपिक टू चूज द जोन। ओके, सो जोनल लाइट टॉपिक, एक सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, क्रिएट करना है सिलेक्ट रीजनल लाइट टॉपिक टू चूज द रीजन एंड देन सिलेक्ट द जोनल लाइट टॉपिक, ठीक है। इस पर चलते हैं, देन इसको भी सिलेक्ट करते हैं। देन हमें जो है जोनल लाइट टॉपिक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो है जोन को इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है स्पेशली, बट हमें जो है रीजनल को ही सिलेक्ट करना है। रीजनल लाइट टॉपिक पे क्लिक करके रखो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, कोई इशू की बात नहीं है। देन इधर आ जाएंगे, इधर आने के बाद जो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, मेक श्योर करना कोई स्पेस ना है। इधर आके जो इसको पेस्ट करना, इधर भी कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना है, सिलेक्ट करना है लाइट रिसोर्सेज को। तो अब हमें क्या करना है, इधर आ जाना है, हमें जो है नीचे स्क्रॉल करना है। फिलहाल के लिए जो है हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन अटैच टू रिजर्वेशन चेक बॉक्स, ठीक है। इधर आ जाते हैं, फिलहाल के लिए इसको मैं ओके कर देता हूँ, एंड अटैच टू रिजर्वेशन वो जो है वो सिलेक्टेड है। एंड इधर आते हैं, फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, ये हम चेक कर लेते हैं, ये मेक श्योर अनचेक करना है, बट अनचेक हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो है ही नहीं अनचेक। एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये अनचेक नहीं है, मतलब हमें जो है
इधर आना है, इधर आने के बाद इसको तो सिलेक्ट कर ही लिया, इसको भी सिलेक्ट करना है। देन इधर से हमें जो जोन में कुछ भी आपको जो भी जोन सिलेक्ट करना आपकी इच्छा से कर लेना, मैंने यूएस सेंट्रल वन ए ले लिया है, आप आपका वाला कोई भी जोन सिलेक्ट कर लेना। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना, इसको अनचेक कर देना, ठीक है। अनचेक करने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, देन हमें जो है डायरेक्टली क्रिएट कर देना आई थिंक सो। हाँ ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट कर दो यार, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके लिए चीज़ क्रिएट हो जाएगी एंड ये वाला जो टास्क है हमारे कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, ठीक है। पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया कुछ इस तरीके से, अभी वो क्रिएट हो रहा है इसलिए इतना टाइम लेगा एंड हैज़ बीन क्रिएटेड। देखो लिखा आ चुका है, क्रिएट हो गया। अब आप क्रिएट चेक में प्रोसेस पर क्लिक करो, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो अपडेट हो चुका है। नीचे स्क्रोल करते एंड लाइट सब्सक्रिप्शन अब हमें क्रिएट करना है एंड इन माई लाइट सब्सक्रिप्शन को कॉपी कर लेना है, मेक श्योर करना है आपके फुल स्टॉक कॉपी ना हो जाए। अगेन इधर आते हैं, अब हमें क्या करना है, क्रिएट लाइट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इधर आपको सब्सक्रिप्शन आईडी की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, मेक श्योर करना कोई स्पेस ना है। देन अगेन बैक जाना, सिलेक्ट अ लाइट रिसोर्स, सिलेक्ट द लाइट टॉपिक रिजर्व मैसेज यू क्रिएटेड लास्ट स्टेप, इधर आना है। इधर आने के बाद जो है नीचे स्क्रोल करेंगे एंड ये जो है ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास ऑलरेडी आ गई है एंड फिलहाल में ऐसा कुछ दिया नहीं है अभी और हमें कुछ करने के लिए। अगेन हमें क्या करना है, इन डिलीवरी रिक्वायरमेंट सेक्शन सिलेक्ट डिलीवरी मैसेज आफ्टर स्टोर, ठीक है। इधर आ जाते हैं एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट में आफ्टर स्टोर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। देन अगेन हमें बैक जाना है, देन हमें जो है नॉर्मली क्रिएट कर देना है, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया एंड क्रिएट करने के बाद जो कुछ आपके लिए इस तरीके की चीज़ क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट लाइट सब्सक्रिप्शन हो चुका है। देन अगेन नॉर्मली बैक आओ, चेक में प्रोसेस पे क्लिक करो, ये वाला जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगेन अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी अभी जस्ट बना है, तो ये अपडेट हो चुका है। इस लैब में आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।